हमारे पदाधिकारियों की तरफ से और वहाँ के मीडिया के माध्यम से हम लोगों को हमारा जो हरीश सिंगला जी थे उनके बारे में बहुत सारी शिकायतें मिली, इसलिए हमारे वरिष्ठ नेताओं ने तय किया है कि हरीश सिंगला को उनके कार्यकारी प्रमुख पद से मुक्त कर दिया जाता है और असी किसी भी कीमत पे पंजाब का माहौल खराब नहीं होने देवे। ठीक है, असी देश द्रोहियों का विरोध करते हैं और करते रहेंगे और असी जिहड़ा साडा भाईचारा है उन्हें कभी भी असी ठेस नहीं पहुँचन देवे। पार्टी का पंजाब कोर कमेटी का कोई भी इस तरीके का कार्यक्रम नहीं है, ये हरीश सिंगला का कोई निजी कार्यक्रम है। पर किस कृपया तुम इस गल गौर फरमाओ भी पटियाले का पंजाब का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। शिवसेना बाला साहब ठाकरे किसी भी तरह कोई भी भाईचारक साझ में टुटन नहीं देगी, इस करके असी 6 जून का जोड़ा सारिया तमाम जथेबंदियां जिन्हिया भी ने जिड़िया शिवसेना के नाम तो भी चल रही हैं जिड़िया 6 जून अपन रोटियां सेकन दिने कार्यक्रम घोषित किए होंगे है। पंजाब प्रदेश के शिवसेना पार्टी के JP शर्मा ने पटियाला के SSP नूं एक हफ्ता पहला पत्र भेजा सी जिस विच लिखिया सी कि जो पटियाला च हरीश सिंगला दे वलों प्रोग्राम रखा गया है उस विच शिवसेना का कोई भी लेना देना नहीं है ते जो काम हरीश सिंगला दे वलों किया जा रहा है वह उसका निजी मामला है ते पटियाला विच कोई भी काम होगा तो उसकी पूरी जिम्मेवारी हरीश सिंगला की ही होगी ते पार्टी का कोई भी लेना देना इस विच नहीं है, जिस करके शिवसेना पार्टी के प्रधान योगराज शर्मा ने शिवसेना के सारे पार्टी लीडर उद्धव ठाकरे नूं भी पत्र भेजा कि जिस विच लिखा कि हरीश सिंगला नूं पार्टी तो बर्खास्त किया जा रहा है ते होर उन्हां वल्लों की कहा गया आओ तुसी आप सुनो। हमारे पदाधिकारियों की तरफ से और वहाँ के मीडिया के माध्यम से हम लोगों को हमारा जो हरीश सिंगला जी थे उनके बारे में बहुत सारी शिकायतें मिली, इसलिए हमारे वरिष्ठ नेताओं ने तय किया है कि हरीश सिंगला को उनके कार्यकारी प्रमुख पद से मुक्त कर दिया जाता है, इसलिए उनको निष्कासित कर दिया गया है। मैं 5 मिनट के अंदर आपको जो है एक PDF भेज रहा हूँ, वो PDF में जो है उनका निष्कासन का पत्र संकलित है, आप देख लीजिए। आज जो कि साढ़े पंजाब प्रमुख श्री योगराज शर्मा जी वालों और साढ़े हाईकमांड तो बॉम्बे तो जो आदेश मिले सन हरीश सिंगला जी नूं पार्टी चो पद मुक्त करन दे, अज मेरी ड्यूटी लगाई गई, मैं लुधियाने आया चड्डा जी दे कोल और असी किसी भी कीमत पर पंजाब का माहौल खराब नहीं होने देवे। ठीक है, असी देश द्रोहियों का विरोध करते हैं और करते रहेंगे और असी जिहड़ा साडा भाईचारा है उन्हें कभी भी असी ठेस नहीं पहुँचन देवे और जिहड़ा भी पार्टी साडी दे विच कोई गलत कदम उठाएगा या भाईचारे सांझ नूं खराब करने की कोशिश करेगा वो खिलाफ़ पार्टी इदा ही जबरदस्त एक्शन लवेगी। अज पंजाब दे विच एक बड़ा मंदभागी घटना हुई है जिदी असी सख्त शब्दों पहला तो निखेधी करते हैं, जिहड़ा कि एक दो धिर की आपसी विवाद दे विच बहुत ही पवित्र स्थान दुनिया भर की आस्था का केंद्र लोगों की श्री काली माता मंदिर दे विच जिहड़ा हमला होया, सब तो पहला असी उस गल की निखेधी करते हैं। दूसरा, पटियाले तो शिवसेना बाल ठाकरे का ही संबंधित एक आगू ने हरीश सिंगला पिछले कुछ समय पहला सानू जो पता लग्या इहदी सिक्योरिटी जिहड़ी है सुरक्षा पंजाब सरकार ने वापस ली है और उस तो बाद 29 अप्रैल का एक जिहड़ा ऐलाना गया प्रोग्राम कि पटियाला दे विच खालिस्तान मुर्दाबाद कोई इस तरीके का मार्च कढ़न जा रहा, जिस तो बाद काफ़ी जथेबंदियां दी सोशल नैटवर्क के उत्ते गहमा गहमी शुरू हो जाती है, कई लोगों वालों धमकियां मिलदियां, बहुत सारे इदा दे सानू सुनन नूं मिले सोशल नैटवर्क ते, जिस तो बाद साडे पंजाब दे आदरणीय प्रमुख श्री योगराज शर्मा जी जिहड़े पंजाब इकाई दे आदरणीय प्रधान जी ने उन्हां वल्लों अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझदे होए पटियाला दे SSP साहब नूं डॉक्टर नानक सिंह जी नूं एक जिहड़ी लैटर है वह मेल की गई जिहदे विच स्पष्ट तौर पर पार्टी का स्टैंड स्पष्ट किया गया कि पार्टी का पंजाब कोर कमेटी का कोई भी इस तरीके का कार्यक्रम नहीं है, ये हरीश सिंगला का कोई निजी कार्यक्रम है। पर किस कृपया तुम इस गल्ल ते गौर फरमाओ भी पटियाले का पंजाब का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके दी खबरां कुछ दिन पहला मीडिया राही सामने आ रही सन वो अज बखूबी उही चीज़ पटियाले विखे हुई है। सो असी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए काफ़ी दिन पहला ही पटियाला पुलिस प्रशासन को यह लैटर भेज दी सी, पर कि कारणों के नाल पटियाला पुलिस वालों उत्थे जी कार्रवाई है लोड़ींदा वो अमल च नहीं लियांदी गई इहदा जवाब तो प्रशासन ही देख सकदा है, लेकिन असी अज पार्टी हाईकमान पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय श्री उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र साडे राज्यसभा सांसद श्री अनिल देसाई जी और पंजाब दे विशेष तौर पर प्रभार देखते
राष्ट्रीय संगठन श्री अशोक तिवाड़ी जी श्री गुलाब चंद दुबे जी नाल संपर्क किया और अज का जरा वाक्य उन्होंने दसिया क्योंकि पार्टी ने एक साल पहला ही ऐलानता कि पंजाब दे विच शिवसेना बाला साहब ठाकरे किसी भी तरह नाल कोई भी भाईचारक साज नूं टुटन नहीं देगी। इस करके असी 6 जून का जिहड़ा ये सारिया तमाम जथेबंदियां जिन्हियां भी ने जिहड़ियां शिवसेना के नाम तो भी चल रही हैं जिहड़ा 6 जून नूं अपनियां रोटियां सेकण दी इन्हां ने कार्यक्रम घोषित किए होंगे है असी उस कार्यक्रम नूं पहले निरस्त कर चुके हैं भी साडी पार्टी वल्लों कोई भी कार्यक्रम पंजाब च नहीं होएगा ते असी अज अपना फर्ज समझते हुए पंजाब के अमन भाईचारे सांझ की पूरी तरीके पैरवी करते हुए अज पार्टी हाईकमान वालों पंजाब के प्रमुख श्री योगराज शर्मा जी वालों निर्णय लिता गया कि हरीश सिंगला तुरंत प्रभाव के नाल पार्टी के कार्यकारी पंजाब प्रधान के पद तो पदमुक्त किया जाता और नाल ही पार्टी तो निष्कासित किया जाता। यह कार्रवाई इस करके लिया गई है अमल के असी हमने ही साड़ी पार्टी के राष्ट्रीय महासंगठक जिले ने महाराष्ट्र तो श्री अशोक तिवाड़ी जी भी फोन पर इस करके संपर्क करवाया क्योंकि पंजाब के शिवसेना बाल ठाकरे ने कभी ना पहला ना हुण और ना ही अगे भाईचारक सांझ दे विच कोई भी दरार जी है ना असी पैन देंगे और जे साडी पार्टी का भी कोई आगू यह जी कोई हरकत करता सामने आएगा तो असी उहदे खिलाफ़ भी यह जी कार्रवाई अमल च लियावांगे। ब्यूरो रिपोर्ट लुधियाना टाइम्स।